नमस्कार, मैं प्रिया। आज 31 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सोलर प्लांट से जगमग होंगे बिहार के सरकारी स्कूल। इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर हुई सुनवाई। सत्र खत्म होने के साथ ही बिहार विधानसभा में बना इतिहास। अब स्कूलों पर सांसद और विधायकों की रहेगी नजर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब सोलर प्लांट से जगमग होंगे बिहार के सरकारी स्कूल। नीतीश सरकार ने सरकारी मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिससे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बेहद राहत मिलेगी। इस प्लांट को लगाने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब सरकारी स्कूलों के भवन की छतों पर ब्रेडा के द्वारा इस काम को पूरा कराया जा रहा है। हालांकि स्कूलों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए नए विद्युत कनेक्शन या स्वीकृत भार वृद्धि के लिए आवेदन जरूरी है। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश से मिले तेजस्वी। बीते दिन अपने वादे अनुसार सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। मुलाकात का अहम कारण जातीय जनगणना बताया गया। वहीं मुलाकात के बाद तेजस्वी ने खुद मीडिया से आकर बातचीत भी की, जिसके तहत तेजस्वी ने बताया कि हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाति आधारित जनगणना के विषय में बातचीत हो गई है। इस तरह की जनगणना हो जाने से लोगों के जनकल्याण के लिए बजट में प्रावधान रखे जा सकेंगे। वर्तमान समय में सरकार के साथ साथ लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उनकी जाति की कितनी आबादी बिहार में मौजूद है। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो प्रधानमंत्री से इस मुद्दे को लेकर जरूर मुलाकात करेंगे। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे में छात्राओं ने मारी बाजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बीते दिन 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी है, जिसमें हर बार की तरह लड़कियों ने ही बाजी मारी है। सीबीएसई की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट में लड़कों की तुलना में लड़कियों के 0.54% अंतर से बेहतर परिणाम आए हैं, जबकि लगभग 70,000 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं इस साल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से पास होने वाले छात्रों के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत इस साल यह 99.37% दर्ज की गई है, जो पिछले साल के 88.8% से लगभग 10% अधिक है। बिहार विधान परिषद के 198वें सत्र का हुआ समापन। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बिहार विधान परिषद की कार्रवाई का भी आखिरी दिन था। वहीं बीते दिन सबसे ज्यादा शिक्षा से जुड़े सवाल पूछे गए। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस बाबत कहा कि सत्र में पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति देखने को मिली और इसमें 3 विश्वविद्यालय समेत 8 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। बिहार विधान परिषद के 198वें सत्र का समापन हो गया है। इस सत्र में कुल 183 प्रश्नों की सूचनाएं, 160 सवालों की स्वीकृति, 75 सवालों का जवाब दिया गया। ध्यानाकर्षण की कुल 38 सूचनाओं में से 20 को स्वीकृति और सभी का जवाब मिला है। वहीं शून्यकाल में कुल मिलाकर 39 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 38 सूचनाओं के द्वारा सरकार को आकृष्ट किया गया। बिहार के 17 जिलों में आज भी है बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में कई इलाकों में बीते 2-3 दिनों से बारिश दर्ज की जा रही है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने बड़ी अपडेट साझा की है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 31 जुलाई को गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, नालंदा और भोजपुर, पटना, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। हालांकि राज्य सरकार मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के बाद ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट मैसेज भी जारी कर दिया है। सदन में उठा अयांश का मुद्दा। स्पाइन मस्कुलर स्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी जिसका नाम आपने अभी से पहले शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इस बीमारी का सामना बिहार का आयांश कर रहा है, जिसके इलाज में लगने वाले करोड़ों रुपए की मदद के लिए इस वक्त सड़क से लेकर सदन तक चर्चा हो रही है। इसी क्रम में बीते दिन सदन में कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने आयांश के लिए मदद की बात कही है। सरकार से मदद कर बच्चे की जान बचाने की अपील भी की गई, जिसके बाद से मदद के हाथ और ज्यादा सामने आने लगे हैं। अगर आप भी आयांश की मदद करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा स्क्रीन पर दिए गए और नीचे स्क्रॉल कर रहे बैंक डिटेल पर अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इस वक्त सभी बिहारवासियों को एकजुट होने की जरूरत है।
पटना विश्वविद्यालय में इस बार नहीं होगा कोई एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप भी पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर खास है, क्योंकि आपको इस बार एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की प्रक्रिया से छुटकारा मिलने वाला है। पटना विश्वविद्यालय की तरफ से साझा की गई ताजा जानकारी के अनुसार इस बार पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। आवेदन अभी जारी है, जो कि 20 अगस्त तक जारी रहने वाले हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2021-22 के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेने का फैसला किया है। इसके लिए राजभवन से आदेश लेने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। रेलवे ने ग्रुप सी पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप सी पदों पर आवेदन की मांग की है। इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर ऑनलाइन मोड्स के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 सितंबर है। ये भी ध्यान रखें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन ट्रायल, खेल उपलब्धियों, शैक्षणिक योग्यता और मूल्यांकन पर आधारित होगा। ट्रायल में फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर ही अगले चरण के लिए विचार किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2021 से पहले ऑनलाइन मोड से आवेदन जमा कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात की। रविंद्र प्रभात का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। रविंद्र प्रभात भारत के हिंदी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंगकार, स्तंभकार, संपादक और ब्लॉग विश्लेषक हैं। उन्होंने लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है, परंतु व्यंग और गजल में उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। 1991 में प्रकाशित अपने पहले गजल संग्रह हमसफर से पहली बार वो चर्चा में आए। लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जनसंदेश टाइम्स और डेली न्यूज एक्टिविस्ट के वे नियमित स्तंभकार रह चुके हैं। प्रभात की पहली कविता 1987 में की सयल में प्रकाशित हुई थी और तब से वो साहित्य के विभिन्न विधाओं में लेखनरत है। बिहार के सभी थानों को मिलेगा अपना भवन। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार सरकार की तरफ से गृह विभाग ने भूमिहीन थानों के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा है। राज्य के सभी 97 थाने और 47 ओपी भूमिहीन है। इसके लिए पहले सरकारी जमीन चिन्हित करने को कहा गया है। सरकारी जमीन नहीं मिलने पर जमीन की खरीद की जाएगी, जिसके बाद 2000 अधिक सिपाहियों की बहाली होगी। विज्ञापन निकाला जा चुका है। इस बहाली के अंतर्गत खेल कोटा से 20 और दूसरे पुलिसकर्मियों के 1988 पदों पर भर्ती की जाएगी। वो गुरुवार को विधान परिषद में ललन कुमार के प्रश्न पर सरकार का पक्ष रखते हुए ये बातें कही गई हैं। इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर हुई सुनवाई। बीते दिन बिहार के खटवे जाति को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खटवे जाति को अनुसूचित जाति में चौपाल के श्रेणी में शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इस दौरान अधिवक्ता दीनू कुमार ने याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष किए गए रिपोर्ट में बताया है कि 16 मई 2014 के एक निर्णय में राज्य सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खटवे जाति को अनुसूचित जाति के चौपाल की श्रेणी में शामिल कर दिया। राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर और बिना अधिकार के यह निर्णय लिया है। पूर्व में मामले सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का निर्णय राज्य सरकार या ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा नहीं लिया जा सकता है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर सरकार लगातार नए नए अपडेट जारी कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक नियोजन के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि छठे चरण के नियोजन में कुछ संशोधन करते हुए एक बार फिर से नए सिरे से पूरी प्रक्रिया को लेकर रीशेड्यूल किया गया है, जो अब दिसंबर तक जारी रहेगा। आपको यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने निर्देश के अनुसार चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में संशोधन जरूरी बताया है और इसको देखते हुए वर्तमान नियोजन प्रक्रिया को स्थगित किया गया है, जिसके तहत अब छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया 2 अगस्त से ही शुरू होगी, जो कि दिसंबर तक जारी रहेगी। स्कूलों पर सांसद और विधायकों की रहेगी नजर। बिहार के सभी राज्यीकृत प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना हाईस्कूल और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य की अध्यक्षता में एक महीने के अंदर विद्यालय प्रबंध समिति गठित होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को एक महीने के अंदर सभी विश्वविद्यालयों में नियमानुसार प्रबंध समिति गठित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने प्रबंध समिति नहीं गठित होने का मामला उठाया था और इस पर गहरी नाराजगी भी जाहिर की थी। तभी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जहां कमेटी नहीं है वहां पर एक महीने के अंदर कमेटी गठित कर लेने का भरोसा दिया था। उनकी घोषणा के 2 दिन में ही विभाग ने जिलों को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। बिहार
बिहार में कोविड 19 के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 72 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 457 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 1, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 1, भोजपुर में 3, दरभंगा में 1, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 3, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 2, किशनगंज में 2, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 3, मुंगेर में 2, नालंदा में 2, पटना में 9, पूर्णिया में 1, रोहतास में 2, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 6, सारण में 2, सिवान में 3, सुपौल में 1, वैशाली में 2, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। औरंगाबाद, बांका, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नवादा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 152,169 सैंपल की जांच की गई, वहीं 94 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। भारत के बॉक्सिंग और बैडमिंटन में मेडल हुआ पक्का। टोक्यो ओलंपिक का आज 9वां दिन है। हालांकि बीते दिन टोक्यो ओलंपिक के लिए बेहद ही खास रहा, क्योंकि महिला मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर लिया है। वहीं शटलर पीवी सिंधु ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। वो जापान की अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सिंधु मेडल जीतने से एक कदम दूर है, जिसके बाद अब ये दोनों खिलाड़ी भारत को कौन सा मेडल दिलवाती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने भी दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक के ग्रुप स्टेज में शानदार खेल दिखाया है। उसमें पूल ए के अपने आखिरी मैच में जापान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ये चौथी जीत है। सत्र खत्म होने के साथ ही बिहार विधानसभा में बना इतिहास। बीते दिन बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, वहीं समापन के साथ ही विधानसभा में इतिहास बन गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में पूछे जाने वाले हर एक सवाल का जवाब दे दिया गया हो। इतना ही नहीं, ये भी पहली बार ही हुआ है जब सदस्यों के सारे सवालों के जवाब ऑनलाइन दे दिए गए हैं। इसकी जानकारी स्पीकर ने बीते दिन सदन शुरू होने से पहले ही दे दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज ऐतिहासिक दिन है, सरकार ने जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सारे सवालों का जवाब दिलवाया है। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, विधि, योजना एवं विकास जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए थे। पढ़ने गए बिहार के छात्र की गई जान। बिहार से चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए छात्र की संदिग्ध अवस्था में जान चली गई है, जिसकी ना तो चीन एम्बेसी ने और ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से परिवार को कोई सूचना दी गई, जिसके बाद इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि मीनाक्षी लेखी जी, बिहार से चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए छात्र अमन नागसेन की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में अब तक ना तो चीन एम्बेसी की तरफ से कोई जानकारी दी गई है और ना ही यूनिवर्सिटी ने कोई सूचना दी है। अंततः आप इस मामले को देखें। EWS आरक्षण वालों को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं। सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के मामले पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बीते दिन विधानसभा में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत अन्य सदस्यों की तरफ से EWS छात्रों को उम्र सीमा में छूट और बैकलॉग को लेकर एक ध्यानाकर्षण सूचना लाई गई थी, जिसके तहत नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में स्पष्ट कर दिया कि वो EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं देने जा रही है। प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कहा है कि ना तो उम्र सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी जाएगी और ना ही बैकलॉग का फायदा उन्हें मिलेगा। नकली खाद के धंधे का हुआ खुलासा। यह वाक्या नवादा जिले के वारिसलीगंज का है, जहां पर जिला कृषि पदाधिकारी नवादा और स्थानीय पुलिस के संयुक्त नेतृत्व में वारिसलीगंज मेन रोड पावर सबस्टेशन हीरो शोरूम के सामने भोला प्रसाद के घर में बने गोदाम में छापेमारी की गई। मौके पर सैकड़ों बोरा, नाली, DAP, इफको, यूरिया समेत अन्य कंपनियों का जाली बैग उर्वरक को बरामद किया गया। इस बाबत अधिकारी का कहना है कि इसकी जानकारी दी जाएगी। खबर लिखे जाने तक छापेमारी अभियान जारी था। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हम लोगों को कुछ और भी सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर भी हम लोग अब आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जान गंवाने वाले 693 शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा। बीते दिन सदन में केदारनाथ पांडे ने सरकार से सवाल किया था कि कोरोना काल में कितने शिक्षकों की जान बिहार में गई है। उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि शिक्षा विभाग को जानकारी दिए जाने के बावजूद सरकार के नियमानुसार किसी भी प्रकार का कोई लाभ अब तक उनके परिवारों को नहीं मिला है, जिससे शिक्षक परिवारों में असंतोष और नाराजगी है। जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में 693 शिक्षकों की जान कोरोना के माहौल में जाने की खबर आई है, जो कि भिन्न
विभिन्न कारणों से हुई है, लेकिन कारण चाहे जो हो, कोरोना काल में जान गंवाने वाले सभी शिक्षकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुदान देने की प्रक्रिया जिलाधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग करेगा। सरकार की यही कोशिश है कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर अन्य सुविधाएं देने के लिए जल्द ही समीक्षा की जाए। दरभंगा एयरपोर्ट में हुई खास व्यवस्था। दरभंगा एयरपोर्ट ने अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज किए हैं। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने से पहले चेकिंग के लिए महिला, बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को सामान्य कतार में नहीं लगना पड़ेगा। इनके लिए अलग से चेकिंग प्वाइंट की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत ही बीते दिन अन्य दिनों की तरह टर्मिनल पर चेकिंग के लिए यात्रियों की लंबी कतार नहीं देखी गई। आपको बता दें, विस्तार किए गए सिक्योरिटी होल्ड एरिया में विस्तार के बाद यात्रियों के लिए 30 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिससे एरिया में नया कमर्शियल क्रियाकलाप की इजाजत भी दी जाएगी। यहां पर यात्रियों के लिए चाय, कॉफी, बिस्किट आदि भी उपलब्ध करवाए गए हैं। वेरिफाइड यूजर को देगा येलो टिक। ट्विटर को भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू कड़ी टक्कर दे रहा है। ट्विटर और सरकार के बीच शुरू हुए विवाद के बाद से ट्विटर को कई यूजर ने जहां अलविदा कह दिया, वहीं नए यूजर कू ऐप के साथ जुड़ने लगे हैं, जिसके बाद से ही अब यूजर को कू और ज्यादा सहूलियत देने वाला है, जिसके तहत कंपनी ने ऐप को यूज करने वाले वेरिफाइड यूजर को कंपनी येलो टिक देने वाली है, जिसके तहत अब कू ने अपने सभी यूजर को येलो टिक के लिए अप्लाई करने की नसीहत दी है। इस बाबत कंपनी ने आगे कहा है कि येलो टिक का मतलब है कि यूजर भारतीय समाज में काफी सम्मिलित है, फिर चाहे वो कलाकार, खिलाड़ी, नेता या कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को स्वयं को मंगोल का राजा घोषित किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1933 में हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ दिया था। भारत में सबसे पहले राज्य परिवहन सेवा पश्चिम बंगाल में राज्य परिवहन निगम की स्थापना 31 जुलाई 1948 को की गई थी। भारत और नेपाल में 1950 में शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर आज ही के दिन हुआ था। भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में 31 जुलाई 1993 को उद्घाटन हुआ। प्रोफेसर अशोक सेन को 2012 में पहले यूरी मिनरल फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज मौलिक भौतिक पुरस्कार के 9 विजेताओं में से एक विजेता घोषित किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री मुमताज का जन्म 1947 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन 1980 में हो गया था। कृणाल पांड्या के बाद दो और खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित। हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम के कृणाल पांड्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं अब दो और खिलाड़ियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। एएनआई की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल और युवा खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दोनों खिलाड़ी कृणाल पांड्या और 6 खिलाड़ी समेत अभी सभी के सभी श्रीलंका में रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कृणाल दूसरे टी20 मैच से पहले इस वायरस की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद मैच को स्थगित करना पड़ा था। श्रीलंका ने भारत को आखिरी टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। टीम की ओर से वानिंदु हरसंगा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए महज 9 रन देकर 4 विकेट झटके थे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,600 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,600 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,200 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल के दाम 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अशोक कुमार, शिव कुमार सिंह, अजय कुमार, सुमित कुमार, रानी गुप्ता, सर्वेश कुमार, प्रदीप कुमार, अरुण वर्मा, मंदान यादव, शंभु कुमार, ललित कुमार, गुलाम रब्बानी, सुशील यादव, राम कैलाश शाह, राजीव कुमार, शंकर मुखिया, उज्ज्वल कुमार, रंजीत मेहता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से अलग अलग विभाग में निकाले गए बहालियों पर अभ्यर्थियों को नियुक्त करने में सफल हो पाई है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।